झांसी जिले के गरोठा तहसील के अंतर्गत थाना गुड़सराय के ग्राम खैरो नुनार का है, जहां पर चयन परिवार के घर में घुसकर बदमाशों ने असलाह के दम पर परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए के डकैती को अंजाम दिया। वहीं परिजनों के मुताबिक रात्रि 1 बजे असलाह और तेजधार हथियार से 8 बदमाश घर में प्रवेश कर गए और परिजनों को बंधक बना दिया। अवैध असलाह तेजधार हथियार के साथ मारपीट और लहलुहान कर लगभग 20 लाख रुपए के डकैती की घटना को अंजाम दिया। घर में रखे लाखों रुपए के सोना चांदी जेवरात और मोबाइल लूट कर ले गए। परिजनों के मुताबिक बदमाश लगभग 1.5 घंटे तक तस्करी से डकैती की घटना को अंजाम देने के दौरान महिलाएं के पैर की फाइलें भी ले गए। प्राइम मेक न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? श्रीजांश कुमार चैनल। क्या घटना हो गई है? रात में 7-8 लोग आए और मंदिर के फाटक तोड़ के, ताला तोड़ के उधर से आए हैं और पहले तो बहू के और बच्चा के कमरा में गए, फिर वो चिल्लाने हैं तो हमको हमारे कमरा हमारे पास आए, हम उठ के आए उधर से तो हमको मारा है और पूरा सामान ले गए जितना रुपया पैसा। कितना? लगभग करीबन 15 लाख रुपया नगद और 350-400 ग्राम सोना और 3.5 किलो 4 किलो चांदी। आप किसी को पहचान पाए? नहीं, पहचान नहीं पाए किसी को। गुड़सराय और गरोटा का बीच में बॉर्डर में एक गांव है खैरो। इस खैरो गांव के बीच में एक जो मकान है जिसके सामने मैं खड़ा हूँ और इस मकान के सटा हुआ एक किराना का दुकान भी है। इस मकान में अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे लगभग कुछ बदमाश लोग घुसे और मकान मालिक और उनका बेटे को घायल कर दिया, हेड इंजरी भी है और घर से कुछ पैसा और जेवरात लेके चले गए हैं। परिवार लोगों से अभी बातचीत हो गई है और तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभी इस घटना खुलासा करने के लिए 4 अलग टीम गठन किया गया है। एसपीसीटी का 2 अलग सीओस और उनका अलग टीम काम कर रही है। इस घटना को जल्दी खुलासा करेंगे। नाम है? नेहा जैन। क्या घटना हो गई है? घर पर आए थे ये लोग और बोले कि क्या क्या है जेवर, और पापा को हमारे हस्बैंड को मारा और बोले कि जेवर हो जेवर दे, तो पैसा कितना है दुकान से पैसा दे दिया, हमारे घर से जितना पैसा था, और मेरे हस्बैंड को इन लोग को मारा, मम्मी को मारा और मोबाइल वगैरह सब ले गए, बोले रिपोर्ट नहीं करना किसी को। कितने लोग थे? 10-12 लोग करीब थे।